सब्सक्राइब कीजिए ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि नए नए वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज ऑनलाइन क्लास। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। क्या नाम है चैप्टर का? रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफिकल फीचर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छी तरह जानते हैं कि द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। अर्थ का शेप कैसा है? स्फेरिकल शेप। एंड बिकॉज ऑफ इट्स स्फेरिकल शेप, इसके स्फेरिकल शेप के कारण हम एक इंस्टेंस में अर्थ का सिर्फ हाफ पार्ट ही देख पाते हैं, आधा पार्ट हम देख नहीं पाते। इट मीन्स हम पूरी अर्थ को एक बार एक साथ हम नहीं देख सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अर्थ को सामने से देखें तो सिर्फ जो फ्रंट का हाफ पार्ट है वही आपको दिखाई देगा और जो बैक हाफ पार्ट है वो आपको विजिबल नहीं है। और अगर टॉप व्यू से आप देखेंगे, अगर सैटेलाइट्स से इमेजेस ली जाती है अर्थ की, तो उसका जो टॉप पार्ट है, टॉप पार्ट मीन्स एटमॉस्फियर, एटमॉस्फियर और इसका हाफ पार्ट वही दिखाई देता है, जो नीचे वाला हाफ पार्ट है वो विजिबल नहीं है। अर्थ के बारे में नॉलेज गैदर करना, अर्थ के बारे में स्टडी करना, इन सब चीज़ों को करने के लिए, टू स्टडी अबाउट द अर्थ, टू लोकेट द प्लेसेस ऑन द अर्थ, अर्थ में प्लेसेस वाटर और लैंड के डिवीजन को शो करना, इन सब चीज़ों के लिए एक स्मॉल मैन मेड मॉडल बनाया जाता है अर्थ का स्फेरिकल शेप में, और उसी मैन मेड मॉडल को क्या कहा जाता है? सो वी कैन से दैट अ ग्लोब इज अ स्मॉल ह्यूमन मैन मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या होता है? एक ह्यूमन मैन मॉडल होता है अर्थ। अ ग्लोब इज अ सिंपल एंड एक्यूरेट वे टू रिप्रेजेंट द अर्थ। सबसे सिंपल तरीका होता है अर्थ को रिप्रेजेंट करने का, दैट हाउ डज द अर्थ लुक लाइक। क्लियर? अर्थ, पृथ्वी कैसे दिखाई देती है, उसी को शो करने के लिए एक मैन मेड मॉडल बनाया जाता है और उसी को क्या बोला जाता है? ग्लोब। आपको सामने दिखाई दे रहा है, इट इज अ ग्लोब, दिस वन इज अ ग्लोब। क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मैप। काफी सारी लिमिटेशंस थी ग्लोब की, काफी सारी कठिनाइयां थी। द फर्स्ट वन इज इट इज डिफिकल्ट टू कैरी अ ग्लोब। ग्लोब को हम आसानी से कैरी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। क्लियर? इसके अलावा जो ग्लोब को एक पर्टिकुलर स्पेस रिक्वायर्ड होता है, ग्लोब हमारी पॉकेट में नहीं रखा। ग्लोब को किसी अर्थ के किसी पार्ट के लिए नहीं बनाया जा सकता। जब भी आपको ग्लोब बनाना होगा तो वो पूरी ही अर्थ को रिप्रेजेंट करेगा। मान लो आपको अर्थ के सिर्फ एक पार्ट एशिया का ग्लोब बनाना, तो आप एशिया का स्पेशल ग्लोब नहीं बना सकते। ग्लोब जब भी बनेगा वो अर्थ के पूरे सभी पार्ट्स का ही बनेगा, तो ये भी एक लिमिटेशन थी। इसके अलावा जो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स होते हैं अर्थ के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल माउंटेन्स, प्लेन्स, प्लेटोस, रिवर्स, सीज, ओशियंस, लेक्स, क्लियर? तो ये सारे जो फिजिकल फीचर्स होते हैं इनको शो करने के लिए ग्लोब के ऊपर प्रॉपर स्पेस नहीं है। प्रॉपर स्पेस नहीं इसलिए होता है क्योंकि अगर ये सारे फीचर्स हम बनाएंगे ग्लोब के ऊपर, तो आप खुद सोचिए कि हमें कितना बड़ा ग्लोब बनाना होगा, तब जाकर हम सारे फिजिकल फीचर्स और सारी थिंग्स ग्लोब में इन्वॉल्व कर पाएंगे। तो ग्लोब की इन सभी लिमिटेशंस के कारण ज़्यादातर हम अर्थ के किसी भी पार्ट के रिप्रेजेंटेशन के लिए, अर्थ के रिप्रेजेंटेशन के लिए मैप्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मैप्स का यूज। ग्लोब में जो लिमिटेशंस थी उन्हीं को दूर करने के लिए मैप का यूज इफेक्टिव हुआ सभी जगह। मैप क्या होता है? अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ एज अ होल और अ पार्ट ऑफ इट, ड्रॉन टू अ स्केल ऑन अ फ्लैट सर्फेस। Although less accurate than a globe, a map is definitely more useful.
मैप क्या होता है? अर्थ का या अर्थ के किसी पार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है जिसको एक फ्लैट सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है। कीप इट इन योर माइंड, कैसी सरफेस पे ड्रॉ किया जाता है मैप को? फ्लैट सरफेस पे, जबकि ग्लोब कैसी सरफेस का बनाया जाता है? स्फेरिकल शेप का। हालांकि जो ग्लोब होता है वो ज्यादा एक्यूरेट होता है मैप से। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि मैप लेस एक्यूरेट होता है ग्लोब से, लेकिन उसके बावजूद भी ज्यादा यूजफुल होता है। मैप को हम इजीली कैरी कर सकते हैं, अर्थ के किसी भी पार्ट के लिए हम मैप्स बना सकते हैं। मैप्स ज्यादा स्पेस भी कवर नहीं करते हैं, क्लियर। मैप्स में मैप्स के डिफरेंट काइंड होते हैं, इसलिए हम अलग अलग फिजिकल फीचर्स और सभी चीजों को मैप्स में क्लियरली शो कर सकते हैं, क्लियर, छोटे स्केल पे भी। तो इस वजह से मैप क्या होते हैं? ज्यादा यूजफुल होते हैं। लेकिन ज्यादा एक्यूरेट कौन होते हैं? ग्लोब्स। और ज्यादा यूजफुल कौन होते हैं? मैप्स। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्केल। इंडिया में हम मीट्रिक सिस्टम फॉलो करते हैं। कौन सा सिस्टम फॉलो करते हैं हम? मीट्रिक सिस्टम। किसके लिए? डिस्टेंस के मेजरमेंट। डिस्टेंस के मेजरमेंट के लिए इंडिया में मीट्रिक सिस्टम फॉलो किया जाता है। मीट्रिक सिस्टम में लॉन्ग डिस्टेंसेस को, जो लंबी दूरियां होती है उनको किलोमीटर्स में हम मेजर करते हैं, और जो शॉर्ट डिस्टेंसेस होती है, इट मींस जो छोटी दूरियां होती है, उनको हम क्या करते हैं? मीटर्स में मेजर करते हैं, क्लियर। और मैप के ऊपर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंसेस होती है ऑन मैप, क्लियर, मैप के ऊपर बात करें, मैप के ऊपर किन्हीं भी टू पॉइंट्स के बीच में जो गैप होती है उसको मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर्स का यूज करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्केल की डेफिनेशन के बारे में। बट स्केल की डेफिनेशन जानने से पहले आपको दो चीजों की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है। द फर्स्ट वन इज मैप डिस्टेंस। द फर्स्ट वन इज मैप डिस्टेंस, क्लियर। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड द मैप डिस्टेंस। मैप डिस्टेंस किसको बोला जाता है? जो कोई भी दो प्लेसेस मैप के ऊपर उनके बीच की स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस, कौन सी लाइन में? स्ट्रेट लाइन में जो डिस्टेंस होती है किसी भी मैप के ऊपर दो पॉइंट्स के बीच में, उसी को क्या बोला जाता है? मैप डिस्टेंस। इज दैट क्लियर? और दूसरी जो डेफिनेशन है वो है ग्राउंड डिस्टेंस। इट मीन्स ऑन द ग्राउंड, ऑन द अर्थ, क्लियर, ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्लियर, इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ग्राउंड डिस्टेंस, क्लियर। यानी कि किन्हीं भी दो प्लेसेस की डिस्टेंस अर्थ के ऊपर, अर्थ की सरफेस के ऊपर, क्लियर, स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस दो पॉइंट्स के बीच में, दो प्लेसेस के बीच में, उसी को हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड डिस्टेंस। अब ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो गई, अब आपको समझ में आएगी स्केल की डेफिनेशन, क्लियर। तो स्केल की डेफिनेशन क्या होती है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेम टू प्लेसेस ऑन द ग्राउंड मेजर्ड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड ग्राउंड डिस्टेंस। और स्केल की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द रेशियो बिटवीन द मैप डिस्टेंस एंड द ग्राउंड डिस्टेंस इज कॉल्ड द स्केल ऑफ द मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस का रेशियो। स्केल क्या होती है? किस किस का रेशियो? मैप डिस्टेंस और ग्राउंड डिस्टेंस, क्लियर, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्केल। तो मैप पे स्केल हम तीन तरह से शो कर सकते हैं। किसी भी मैप में स्केल को तीन तरह से शो किया जा सकता है। द फर्स्ट वन इज बाय अ स्टेटमेंट, सेकेंड वन इज बाय अ न्यूमेरिकल फ्रैक्शन, एंड द थर्ड वन इज बाय अ ग्राफिक और लीनियर स्केल। इज दैट क्लियर? अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स। टाइप्स ऑफ मैप्स, देखो मैप्स को अकॉर्डिंग टू स्केल, स्केल के अकॉर्डिंग देर आर टू टाइप्स ऑफ मैप्स। स्केल के अकॉर्डिंग दो तरह के मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स। स्मॉल स्केल मैप्स एंड लार्ज स्केल मैप्स,
जो स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं वो वेरी लार्ज एरिया को शो करते हैं, एक बहुत बड़े एरिया को शो करते हैं विथ लिमिटेड डिटेल्स, क्लियर, लिमिटेड डिटेल्स या लेस डिटेल्स के साथ एक बहुत बड़े एरिया को शो करते हैं। कौन से मैप्स? स्मॉल स्केल मैप्स, क्लियर। स्मॉल स्केल मैप्स किसको शो करते हैं? वेरी लार्ज एरिया को विथ लेस डिटेल्स, क्लियर, कम डिटेल्स के साथ में एक बहुत बड़े एरिया को शो करते हैं। कौन से मैप्स? स्मॉल स्केल मैप्स, जैसे कि आपको जस्ट सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है द मैप ऑफ दिल्ली। दिल्ली इज अ वेरी लार्ज सिटी। दिल्ली काफी बड़ा एरिया है, लार्ज एरिया है, क्लियर। और इस लार्ज एरिया को लेस डिटेल्स के साथ में एक छोटी जगह पर छोटी स्मॉल स्केल के साथ में बताया जा रहा है, इसलिए ये मैप कौन सा है? स्मॉल स्केल मैप। वहीं अब बात करते हैं लार्ज स्केल मैप्स की, तो जो लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, लार्ज स्केल मैप्स में एक छोटे से एरिया को, एक छोटे एरिया को, स्मॉल एरिया को प्रॉपर डिटेल्स, सारी डिटेल्स इन्वॉल्व करके शो किया जाता है, तो इसे मैप को हम क्या बोलते हैं? लार्ज स्केल मैप्स। लार्ज स्केल मैप्स किसको शो करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? वेरी स्मॉल एरिया को, लेकिन कैसा करते हैं? इन डिटेल, यानी कि कंप्लीटली सारी डिटेल्स शो की जाती है उस मैप में, इंक्लूडिंग फिजिकल फीचर्स एंड ऑल द थिंग्स इन दैट एरिया। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो मैप है ये सिर्फ कनॉट प्लेस का मैप है जो कि दिल्ली में है, क्लियर, उसका मैप है। ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है स्मॉल स्केल मैप, ये वाला, ये पूरी दिल्ली का मैप है, और जबकि ये सिर्फ एक छोटे से एरिया का मैप है, क्लियर। नाउ टॉक अबाउट द डायरेक्शंस, अब बात करते हैं डायरेक्शंस ऑन मैप। मैप के ऊपर जो डायरेक्शंस होती है, यू समझ लीजिए, इफ यू हैव अ मैप इन फ्रंट ऑफ यू, अगर आपके सामने मैप है तो उस मैप में सबसे टॉप पर, मान लीजिए आपकी बुक में मैप है तो, और मैप आपके सामने है, क्लियर, तो उसमें टॉप पर कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ डायरेक्शन होगी। कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ डायरेक्शन, ओके। और नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन होगी? साउथ डायरेक्शन होगी। आपके आपके राइट हैंड साइड, आपके राइट हैंड साइड ईस्ट डायरेक्शन होगी, क्लियर, और आपके लेफ्ट हैंड साइड कौन सी डायरेक्शन होगी? वेस्ट डायरेक्शन। इन डायरेक्शंस का आप हमेशा ध्यान रखिए, चाहे कोई सा भी मैप हो, क्लियर, सभी मैप्स में यही डायरेक्शंस का रूल फॉलो किया जाता है, क्लियर। मैप अगर आपके सामने है तो सबसे टॉप पर नॉर्थ, बॉटम में साउथ, योर राइट हैंड साइड ईस्ट एंड योर लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट, दैट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको। अब बात करते हैं कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स, ओके। अलग अलग इंफॉर्मेशंस, अलग अलग पॉलिटिकल बाउंड्रीज, रिलीफ फीचर्स, क्लाइमेटिक कंडीशंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस, पॉपुलेशन, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, सोशल एंड कल्चरल फीचर्स, सिटीज एंड टाउन्स, और ऐसे कई तरह की अलग अलग चीजों के लिए मैप्स बनाए जाते हैं, क्लियर। मैप्स में ये सारी चीजें शो की जाती है, क्लियर, इसलिए इन सभी को शो करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साइंस और सिंबल्स बनाए गए हैं जो डिफरेंट फीचर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्लियर। फॉर एग्जांपल आपको जैसे कि दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉर्नर में, पिक्चर में पोर्ट के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जा रहा है? दिस वन। टेम्पल के लिए कुछ इस तरह का सिंबल यूज किया जाता है,
चर्च के लिए इस तरह का, मॉस्क मींस मस्जिद के लिए कुछ इस तरह का, फॉरेस्ट के लिए दिस वन क्लियर, डैम के लिए इस तरह का यूज किया जाता है, स्ट्रीम यानी कि कोई धारा है उसके लिए ये सिंबल यूज किया जाता है, ये साइन यूज किया जाता है, ब्रिज के लिए कुछ इस तरह का यूज किया जाता है, क्लियर। बाउंड्रीज जो होती है इंटरनेशनल बाउंड्रीज के लिए ये साइंस यूज किए जाते हैं, स्टेट बाउंड्री के लिए ये यूज किए जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज के लिए कुछ इस तरह की लाइंस को यूज किया जाता है, क्लियर। दिस वन इज मेटल्ड रोड एंड दिस वन इज अनमेटल्ड रोड, ओके। टाउन और विलेज के लिए इस तरह के साइन यूज किए जाते हैं, क्लियर। तो इन्हीं अलग अलग फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ साइंस और सिंबल्स बनाए गए हैं जो कि वर्ल्डली एक्सेप्टेड है, और ऐसे ही साइंस और सिंबल्स को हम क्या बोलते हैं, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। इज दैट क्लियर। नाउ आर लास्ट टॉपिक इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स, क्लियर। जो मैप्स होते हैं उनका क्या महत्व है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ मैप। मैप काफी इम्पोर्टेंट होते हैं हम सबके लिए, उसके कुछ रीजंस है। द फर्स्ट वन इज मैप्स प्रोवाइड रिकॉर्ड्स ऑफ फैक्ट्स अबाउट द अर्थ। अर्थ के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्ट्स या जो रिकॉर्ड्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी क्लाइमेटिक मैप्स का यूज किया जाता है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस को शो करने के लिए, वेदर मैप्स का यूज किया जाता है, क्लियर। तो डेली जो मैप्स फॉर्म किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं अर्थ के वेदर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग, ये एक तरीके से वेदर रिकॉर्ड की तरह काम करेगा हमारे लिए। किस तरह काम करेगा, वेदर रिकॉर्ड की तरह। अगर हमको कभी भी देखना हो कि उस डेट में इस ईयर में वेदर कंडीशंस क्या थी इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, तो वहां से उसका नॉलेज हम ले सकते हैं। सेकंड, मैप्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द लैंडमार्क्स, क्लियर। मैप्स हमारी मदद करते हैं जिससे हम अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स है, प्लेन्स, प्लेटोस, रिवर वैलीज, क्लियर, रिवर्स, माउंटेन्स, इन सभी लैंडफॉर्म्स को हम समझ सकते हैं कि ये कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं, इनकी वजह से कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। द गवर्नमेंट्स नीड मैप्स फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, क्लियर। गवर्नमेंट को अगर कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस करना, क्लियर, या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स न्यू फॉर्म करना, या किसी भी तरीके से कुछ न्यू सिस्टम लॉन्च करना एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में, तो उन सभी के लिए इन मैप्स का यूज किया जाता है जिससे गवर्नमेंट अपनी प्लानिंग करती है, क्लियर। इसके अलावा टोपोशीट्स बनाई जाती है मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए, जो कि डिफरेंट आर्मीज की पोजिशंस हमारी आर्मी को बताती है। इन सभी मैप से डिफरेंट आर्मीज की पोजिशन को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा मैप्स की काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, क्लियर। मैप्स से ये पता चलता है कि कंट्री में कौन कौन से प्लेसेस पे फ्लड्स का डेंजर है, कहाँ अर्थक्वेक्स का है, कहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजास्टर्स डेवलप हो सकते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का वो बनाया जाता है, क्लियर। तो कंट्री के डेवलपमेंट में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मैप्स। जो टूरिस्ट और ट्रेवलर्स होते हैं उनको मैप्स काफ़ी यूजफुल होते हैं जिससे कि अपनी वो डेस्टिनेशन तक पहुंच सके, मंजिलों तक पहुंच सके। आपको भी अगर कहीं जाना और आपके पास अगर मैप अवेलेबल है, क्लियर, तो आप इजीली बिना किसी से पूछे आपके डेस्टिनेशन तक विदाउट एनी डिफिकल्टीज पहुंच सकते हो, क्लियर। तो इन सभी चीज़ों के कारण मैप्स काफ़ी यूजफुल होते हैं हमारे लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, एंड डिफरेंट काइंड फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पर्पसेस, क्लियर। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मैप्स। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।